हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आए थे ट्यूबवेल, ट्यूबवेल पे हमारा एक और आम पक गया है जो इतना बड़ा बड़ा होता है। इसकी चमड़े मोटे होते हैं लेकिन ये मीठा बहुत होता है। तो ये देखते हैं, यही पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ भी है, इतना मोटा सा है। उसके बाद फरता भी ज़्यादा है। तो देखते हैं एक मिला है और कोई मिलता है क्या, क्योंकि इसे अभी कोई नहीं जानता है कि पकता है। एक और मिला, एक और मिल गया, इतना भर। इसका मतलब यहाँ पे भी रहना पड़ेगा क्योंकि ये भी पकने लगा है। तो हाँ, और कल जो पानी भर रहे तो भर चुका है अब। और आज के ब्लॉग में कहीं तो जाने वाले तो नहीं हैं, आपको डेली ब्लॉग ही मिलने वाला है। और हाँ, हमारी जामुन जो ऐसा कि कह रहे थे, जामुन भी पक रही है, गिर रही है, जामुन भी गिरी हुई है। फटी ले इसमें और फूटी हुई कोई बिन ले गया है। तो हाँ, तो आज तो फिलहाल कुछ करना नहीं है, जो करते हैं मिलते हैं आगे। क्योंकि तो अब चल रहा है नाश्ते में आम खाने के लिए, पहले घर में चलते हैं। हाँ, खाना खाने के लिए हमें दूसरे घर जाना पड़ता है। ये ट्यूबवेल है, आम डालते हैं। और ये खाते हैं, हम भाई रसीले मजेदार हैं। और मजा बहुत आ रहा है, बहुत मीठे हैं। ऐसा गुजा बहुत होता है लेकिन बहुत मीठे हैं। और अभी बारिश अगर हो जाती तो और मीठा हो जाता, थोड़ा खट्टा पन है वैसे कि बहुत मीठा होता है। बट बारिश एक बार भी नहीं हुई ना जिससे आम पक सके। अगर बारिश हो जाए तो सारे आम पक जाएंगे। बारिश का मौसम भी आज हुआ है क्योंकि घाम धूप नहीं हुई है, बादल सा छाया हुआ है, बादल सा छाया हुआ है, धूप नहीं हुई है, तो शायद बारिश हो सकती है। तो हाँ, तो खा लेते हैं आम, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आम खा करके आज के मतलब नाश्ता कर लिए। देहात में क्या होता है, यही सब नाश्ता होता है। आम खा लो, अगर आम का सीजन, अमरूद का सीजन, अमरूद खा लो, और सब क्या रहेगा नाश्ता। और कोई चीज़ बना है, चाय पी लो और नाश्ता कर लो। तो हाँ, ये हमारा ट्रैक्टर, इसकी थोड़ी करते हैं सफाई क्योंकि उसका ये गंदा। इसमें हमने कपड़े रखे थे लेकिन कपड़े मिल नहीं रहे हैं, इसे सफाई करना है। तो हम लेकर के आते हैं कपड़े, फटाफट चलते हैं, करते हैं फटाफट साफ। करते हैं साफ, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर हम इसे साफ कर चुके हैं, आप देखो किस तरह से चमकने लगा है, ट्यूबवेल चलने लगा जिसकी आवाज़ ही अब नहीं आ रही है। तो हाँ, साफ कर चुके हैं और ये तो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो चुका है। अब इसे धुलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी मछली अंदर भी है इसके। तो हाँ, इसे फिनिश करते हैं, चलते हैं। I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me...
मेघा कहाँ बोल रहा था? तालाब तालाब में? तुम ये किस तरह से जा रहे, सवारी से कि लिफ्ट लेकर के? इस तरह से जाते हैं? कहाँ जा रहे हो? क्या करने? पता नहीं, खोलना है। मार खाओगे? नहीं नहीं। कितने में पढ़ते हो? दूसरे में। दूसरे में? दूसरे में तो नहीं पढ़ते हो तुम, प्ले ग्रुप में पढ़ते हो। भाई जी, हमारी भैंसिया गैया हैं, और हाँ अभी कुछ जमीन नप रही है, गांव वाला बात है, तो वहाँ पर शायद ब्लॉग अब बना भी ना पाएँ, इतना ही डाल पाएंगे क्योंकि अब उसे नपवाने जाना है। तो चलते हैं। तो वहाँ से हम आ चुके हैं बहुत टाइम बाद। उसके बाद यहाँ पर आते ही देखो ठंड ठंड हवा चल रही है और बारिश का भी माहौल हो गया है, मतलब झीसी पड़ रही है। बारिश करके दिखाते हैं, दिखा नहीं पाएंगे इसकी, आप देख पाएंगे बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। लगता है कि बारिश हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि बिया में भी पानी चला जाएगा और सारे खेत हो जाएंगे, तो उसके बाद जोत दिया जाएगा, जिससे घास जो उगेगी वो जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिससे फसल अच्छी होगी। वहाँ देखिए क्या मस्त हवा चल रही है, बाल बेलते हुए आनंद लेते हुए। तो वहाँ थोड़ा गर्म हो रहा था लेकिन अब हवा चल रही है। चलिए देखते हैं पीछे आम उम गिरा है कि नहीं। भाई आम तो नहीं गिरा है, चलते हैं। और हाँ, ये जो हमारा पीछे का है घर, ये मतलब कि इसमें रहते हैं लोग, लेकिन मतलब यही नहीं है, इसके अलावा भी गांव में हमारा दो जगह घर है। एक जगह जानवर रहते हैं, जहाँ कि वीडियो हम इसमें दिखाए हैं जानवर को, और उसके अलावा एक घर है जहाँ पर हम रहते हैं, खाना वाना खाते हैं, वहाँ पे सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर हम लोग रहते हैं क्योंकि पेड़ है, ट्यूबवेल है, और खेत भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे रहना पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है इतना सा, और जिसमें उधर हम आराम करते हैं वो है, उसके अलावा ट्यूबवेल का है, तो हम बस इतना ही है। और यहाँ पे देखिए क्या आनंदमय उगते सूर्य हैं, और यहाँ पे भी बगल में हमारे पीछे भी घर बन रहे हैं, अब तब बन गए, पहले यहाँ पे कोई घर नहीं था, ये हमारा ट्यूबवेल इसी मार में पड़ता था, और पेड़ भी यहाँ पे ज़्यादा है, हवा भी अच्छी आ रही है, मज़ा लेते हैं।